एवरीबॉडी, दिस इज माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ ग्रेटर नोएडा का एक ऐसा जगह पे जहाँ पे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और ये है ग्रेटर नोएडा का कैनल क्रॉस मॉल। आज हम देखते हैं अंदर बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि एक काबिल तारीफ़ है, और मैंने बहुत सर्च की करा इसके बारे में लेकिन इंटरनेट पर भी या यूट्यूब पर भी नहीं मिला मुझे इसका वीडियो। तो आज मैं इसके बारे में बताऊँगा और घुमाऊँगा इस मॉल के अंदर, और बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं ना, आप देख के दंग रह जाओगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो गाइस ये है इसका एंट्री गेट, और आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ पे बाहर में भी बेचते हैं, जैसे कप वगैरह है या फिर और भी चीज़ें मैट का है। तो ये बहुत प्यारी प्यारी कपें भी बेचते हैं, टी कप एंड देखो मैट है, कालीन वगैरह बाहर में। तो अभी हम अंदर में एंट्री करेंगे, और वो मना भी करता है कि अंदर में वीडियोग्राफी नहीं करना है, फ़ोटो खींच सकते हो, बट किसको किसको मना करेगा, वीडियो तो मुझे बनाना ही है। तो देखना गाइस अब ये मना करता है कि वीडियो नहीं करना है। तो ये किया हमने एंट्री, वीडियो मत बनाओ भाई, कैमरे से तो नहीं बना सकते, से बना ये वीडियो नहीं। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा डायनासोर है, मेल और फीमेल दोनों को बनाया गया है, और काफ़ी ही खूबसूरत चीज मतलब लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल है बिल्कुल। और नीचे आप तो देखो कितने बड़ी है, ये फीमेल है आई थिंक, और उधर वाला मेल है। तो ये देखो कि कितना बड़ा बनाया गया है डायनासोर को। और नीचे आप देखोगे तो छोटे से इसका बेबी बनाया गया, बच्चा है इसमें अंडे से निकलते हुए, अंडा भी इसका देखो नीचे कितना बड़ा अंडा होता है। तो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है डायनासोर को, और भी बहुत छोटे बड़े, अभी तो इसमें साउंड भी आता है इसका, लेकिन आई थिंक इसमें कुछ काम चल रहा है क्योंकि अब समर आने वाला है, तो समर में लोग कुछ एसी वेसी का भी काम करवा रहे हैं, और ये कूलिंग चल रहा है। तो आई थिंक आप देख सकते हो इसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, और मैं आपको घुमाता हूँ। अगर से देख सकते हो कितना बड़ा ये डायनासोर मतलब ये लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा, चारों तरफ से मैं घुमा रहा हूँ। देखो ये देखो डायनासोर, देखते रहो भाई डायनासोर। और इधर में भी काफ़ी छोटे मोटे बच्चे हैं, उनके यहाँ से बनाया गया इतना बड़ा डायनासोर बनाया गया है। और नीचे में देख सकते हो आप वो छोटा डायनासोर है, काफी विशाल है ये। ये चीजें अभी तक कोई ब्लॉग में नहीं दिखाया गया है, तो मैंने सोचा कि चलो डायनासोर दिखाता हूँ आपको। इतना बड़ा डायनासोर आपने आई थिंक कि किसी मॉल में नहीं देखा होगा, और अगर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने देखा। तो आप देख सकते हो नीचे में भी बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर आ जाएगा, इतना ओरिजिनल दिख रही है। और ये हरी भरी पेड़ बनाई गई हैं, ट्रीज हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो ये है हमारा कनाट प्लस का व्यू, जिसे आप देख के दंग रह जाओगे। मैं इसे दूर से दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा मुझे दूर जाना होगा। ऐसे
ओरिजिनल लग रहा है, देख सकते हो नीचे से साइड से। इस पर भी देखो, देखो इसके बैक के बच्चे झूलते हैं, आई थिंक इस पर रॉड भी लगा हुआ है और ये काफ़ी ओरिजिनल है लग रहा है। देख सकते हो इसका अंडा, तो गाइस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और आगे भी वीडियो देखो इसी मॉल का। मैं बहुत सारी चीज़ें पार्ट बाय पार्ट दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर मज़ा भी नहीं आता। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और लाइक ज़रूर करना क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो देखो।